रानी जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? बहुत पसीने आ रहे हैं आपके? पसीना कहाँ आ रहा है? हीरो को देख के नहीं आ रहा है ना? तुमको आ रहा है। वैसे मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। मुझे पसीना आ रहा है, इनको देख। नहीं, हीरोइन को सिर्फ पसीना आ रहा है। किधर आ रहा है भाई? आज शमीम जी के एक फिल्म का मुहूर्त हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शमीम जी की नहीं, हमारी भी फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ। देख सकते हैं हम लोग कितने खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। और आफ्टर लॉकडाउन ऐसा एक बूस्टिंग की बहुत ज़रूरत थी। अभी लखनऊ में 5-5 फिल्मों का मुहूर्त करके आई मैं, और अभी हम यहाँ पर भी फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि टीम बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है फिल्म की। पोस्टर आज ही लॉन्च कर दिया है, और जब भी एक्शन सब्जेक्ट मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है वैसे, लेकिन ऑडियंस को बहुत मजा आता है, इसलिए मैं इस जोखिम बार बार उठाती रहती हूँ। फिल्म का रानी जी, पुलिस की वर्दी पहले ही पहन चुके हैं आप, और अभी आईपीएस का ऐसा आईपीएस का भी कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार? हवलदार नहीं बनी मैं हमेशा आईपीएस। वर्दी का कितना एक्सपीरियंस आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो वर्दी पहनने के बाद भले ही नकली के पुलिस हो, लेकिन वो एटीट्यूड जो आता है ना, मैं किस्सा बताना चाहूँगी। मैं गुजरात में, मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं जिसमें मैं एज एन इंस्पेक्टर मैंने प्ले किया है। मैं गुजरात में शूटिंग कर रही थी और इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में जब मैं उस लुक में थी, मैं ड्राइव करके जब रस्तों से गुजर रही थी तो लोग ऐसे ही अपने आप हट जा रहे थे। तो मतलब उस वर्दी की बात ही कुछ और है। सो मैं क्या कहूँ, अभी आपकी कौन सी अपकमिंग फिल्में रिलीज पर आएँ? कौन कौन फिल्में रिलीजिंग पर आए? श्रीमान श्रीमती का बहुत जल्दी वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने वाला है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इन्फॉर्म किया है लोगों को। और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई भी फिल्म मेरी कंप्लीट नहीं है, अभी स्टार्ट हो रही है। अभी बहुत जल्दी मैं बाबुल की गलियों के सेट पे पहुंचूंगी, और उसके अलावा मेरी वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है, टीवी में भी एक बहुत ही अच्छे एपिसोड को लेकर आ रही हूँ। सो कंटिन्यू बैक टू बैक अभी इंशाल्लाह शुरू हुआ है। अभी गोवा बीच पर आपका एक फोटो वायरल हुआ है, उसके बारे में जानकारी देंगे? गोवा में क्या, बस वायरल मतलब गोवा गई थी। मतलब कुछ खास ट्रिप था वहाँ पर? नहीं, कुछ खास ट्रिप नहीं थी, मम्मी के साथ थी वो ट्रिप। मम्मी और मैं बहुत टाइम से बाहर जाना चाह रहे थे, बट मैंने ये सीक्रेट रखा था कि माँ मैं कोई नहीं गया है, मैं अकेली गई हूँ, ताकि थोड़ा सा चर्चाओं में बनी रहूँ, बट रानी जी के साथ ये पहली पिक्चर है जिसका हमें प्रेयर है, और ऐसे तीन पिक्चर और एक बेमिसाल खिलाड़ी है जिसमें ये दूसरे हीरो के अपोजिट है। एक फिल्म है मेरी परिवार के बाबू जिसमें इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया है, एक आइटम नंबर इन्होंने किया है काफ़ी, और बड़े लेविस गाना है और बड़ा लोगों ने पसंद किया गेस्ट अपीयरेंस सॉन्ग में। और एक और फिल्म है जो ये मुस्कुरा रही है, जो आपने बता दी आपसे काफ़ी पुराने हैं, आपने बाद में एंट्री मारी है, तो इनकी फिल्में कौन सी है जो हीरो बनने से पहले आपने देखी? हीरो बनने से पहले तो भोजपुरी नहीं, लेकिन बनने के बाद देखा कि यार कौन हीरोइन है जिसको जो भी लड़का आता है हीरो बनने बोलता है यही हीरोइन चाहिए। तब मैंने गौर किया, अच्छा ये रानी की चर्ची नाम की कोई हीरोइन है भोजपुरी जिसको जो भी हीरो आता है बनने के लिए, भैया मुझे हीरो बनना है। उस दौर में जब मैं मलयुद्ध कर रहा था या जब मैं भोजपुरी, मैं मॉडलिंग से भोजपुरी सोच रहा था कि भोजपुरी करते हैं कुछ स्टार्टअप की जाएंगे, तब जब मैं भोजपुरी रीड किया तो मैंने कहा जो भी नया लड़का आ रहा है, जो भी एक्टर हीरो बन रहा है, उनको बस एक ही हीरोइन चाहिए, वो रानी चक्रवर्ती। मैंने रीड किया, मैंने ऑब्जर्व किया, लॉन्चिंग हीरोइन थी, हीरो को लॉन्च कर देती। हाँ, मतलब उस समय बाकी सब हीरो हीरोइन अपने पेयर बना के चलते थे, और जो नया बंदा आता था उसका पेयर रानी चटर्जी के साथ। फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फिल्म बन रहा है जिसमें रानी जी एज ए पुलिस बहुत काम कर लिया है, लेकिन इस फिल्म में एक अलग नया लुक्स दिखेगा, और जो दबंगी बहुत ही हुआ, लेकिन दबंगी स्टाइल कुछ अलग है। म्यूजिक की बात करें, किसका म्यूजिक रहेगा इसमें? ऑब्वियसली राजसेन। और मेरे हर फिल्म में म्यूजिक राजसेन जी की है, और मेरे बॉम्बे की एक मेरे फैमिली है राजसेन, सुबीर सेन, दिलीप सेन। दिलीप सेन का, दिलीप सेन जी को विलन का रोल दे रहे हैं इस बार? दिलीप सेन रोल कर रहा मैं तो पहले रानी जी से तो निपट के बाद में मेरे से। दिलीप जी की मालाएं बढ़ती जा रही है रोज, क्या कहना चाहेंगे? संन्यास दे रहा हूं, संन्यास दे रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।